नमस्कार, मैं भावना सिंह और आप देख रहे हैं HBN न्यूज। धनबाद जिले में AISM जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में शहादत को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आज राज्य के धनबाद जिला धनसार मोड़ में मोमबत्ती और दीपक जलाकर शहीदों को नमन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए AISM जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार वर्मा ने बताया कि हर दीपावली में एक दिया देश के शहादतों के लिए जलाना चाहिए। हमें उन्हें याद रखना चाहिए जिनकी शहादत से आज हम सुरक्षित हैं और उन्हें नमन करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को राज्य के अन्य जिलों में भी एसोसिएशन के पद अधिकारी और आम नागरिकों ने मिलकर हमारे बैनर तले शहादत को सलामी दी है। वहीं सरोज कुमार ने कहा कि हमें आज अपने शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों, पत्रकारों और साथियों, सेना पुलिस के जवानों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी याद करने की जरूरत है। आज धनबाद के धनसार चौक में मुख्य रूप से एसोसिएशन के झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार वर्मा, सरोज प्रसाद अध्यक्ष, अक्षय कुमार चौबे, हरेंद्र महतो, सोनू अंसारी सहित अन्य लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। HBN न्यूज की खास रिपोर्ट। एक जो शहीदों के नाम पे कैंडल निकाल कर शहीदों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम सभी देशवासियों को अपने पत्रकार एसोसिएशन के तरफ से सारे देशवासियों को सबसे पहले दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और आज जो ये पर्व हम लोग मनाते हैं, हम पूरे देशवासियों मनाते हैं, पूरे भारतवर्ष, पूरा विश्व इस पर्व को, तो आज कहीं ना कहीं हम लोग ये पर्व जो मना रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की शहादत है जो कि हम लोग अपने घर में सुरक्षित हैं। जैसे हमारे देश में, हमारे बॉर्डर में हमारे जवान जो दिन रात सुरक्षा को लेकर के रहते हैं और शहीद होते हैं, और हम लोग अपने घर में जोत जलाते हैं, बैठकर निडर होकर के रहते हैं, कि पूरा श्रेय उन लोगों को जाता है। और हम लोग आ रहे हैं जितने पत्रकार बंधु हैं जो कि दिन रात न्यूज़, जो कि समाज में जितनी भी बुराइयाँ, जितने भी तरह के प्रॉब्लम को लोग फेस करके सामने लाते हैं, उजागर करते हैं। और इसके कारण बहुत से हमारे पत्रकार बंधु, आज आप लोग भी देखे होंगे कि काफ़ी पत्रकार बंधु शहीद हो गए, काफ़ी पत्रकार बंधु के ऊपर हमला किया जा रहा है। तो उन लोग की शहादत आज जो हम लोग ये पर्व मना रहे हैं, कहीं हम लोग उनको चूक ना जाए, तो उन लोग को रखते हुए, मान सम्मान उन लोग को रखते हुए हम लोगों ने आज ये कैंडल मार्च का प्रोग्राम निकाला है, ताकि एक जोत उन शहादत के नाम, उन वीरों के नाम, जो वीर आज तो नहीं रहे हमारे साथ में, लेकिन उनके साथ आज हम लोग ये पर्व को मनाएं और उनको कम से कम लोग याद करें। एक संदेश देना चाहते हैं हर देशवासी को कि आप अपने घर एक दीपक, एक जोत उन शहीदों के नाम जलाइए जो इस देश में नहीं है, कि आप उनके कारण आज हम लोग जोत को ये दीपावली को मना रहे हैं। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए और क्या? पत्रकारों की सुरक्षा के लिए तो हम लोग सबसे पहले यही मांग करते हैं कि सारी सबकी सुरक्षा होनी चाहिए। पत्रकार तो दिन रात 24 घंटा लड़ते रहते हैं, बेफिक्र निडर कहीं भी। तो जितनी हमला आप लोग ने देखा कि जो भी हम लोग देश में इस तरह का हमला हो रहा है, ये काफ़ी यानी दुखद है कि इसमें ऐसे पत्रकार बंधु के ऊपर हमला होना है। और उस हमले पर अभी आप देखें, कुछ दिन पहले हजारीबाग में हम लोग पत्रकार बंधु के ऊपर हमला हुआ, जो कि आए दिन कहीं ना कहीं हो रहा। तो प्रशासन से और हमारे प्रांत के राज्य से और केंद्र से, सरकार से बस यही चाहते हैं कि पत्रकार बंधुओं को भी सुरक्षा दिया जाए, ताकि वो निडर होकर अपना कार्य संपूर्ण रूप से, अपना पूर्ण रूप से वो पब्लिक के सामने, आपके और हमारे और जितने भी हमारे जो भी है देश के लोग, उनके सामने वो सच सामने लाए। अगर पत्रकार कानून लागू, अगर पत्रकार के ऊपर ही हमला होगा, तो फिर अगर पत्रकार ही दब जाएगा, तो हमारे आपके घर और हर घर में फिर हमको नहीं लगता कि कोई समाज या कोई जा पाएगा, पहुँचेगा न्यूज़। ये सब चीज़ देख करके यहाँ तक कैंडल मार्च क्यों निकाला गया? और कैंडल मार्च निकालने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जनिक AISM जनिक वेलफेयर एसोसिएशन हर साल की भांति इस साल जो है सो दीपावली के शुभ अवसर पर हम लोग शहादत के नाम एक दिया जलाने का काम किया, जो कि आज के डेट में जो पत्रकार बंधु जो हमारे शहीद हो गए हैं,
पुलिस जवान शहीद हो गए हैं, देश के जवान शहीद हो गए हैं, उन लोगों का नाम लेकर हम लोग आज दिया जाने का काम किए।